नमस्कार दोस्तों, टाइम फॉर रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम लोग चार स्टॉक्स जो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। क्या आपको बाइंग करनी है, होल्ड करनी है या काउंटर से निकल के बाहर जाना है। चारों ही काउंटर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के दिग्गज स्टॉक्स हैं और इन चारों ही काउंटर्स में मैं आपको टेक्निकल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस बताऊंगा, तो आप नोट करके रखिएगा और अकॉर्डिंगली जो भी आपकी एनालिसिस है उसको भी आप एक बार कर लीजिएगा। और उसके बाद दोनों आपकी और मेरी जो भी एनालिसिस है उसको एक बार मर्जअप करके जो भी उसका कंक्लूजन निकलता है देन वहाँ पर आप लोग एक बेस्ट सजेशन ले सकते हैं जो आपके लिए मोस्ट यूजफुल रहेगा। तो चलिए बात करते हैं चारों ही काउंटर्स के बारे में। सबसे पहला काउंटर है अपेक्स फ्रोजन का। दोस्तों बेसिकली ये फ्रोजन फूड्स की कंपनी है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की कंपनी है और अभी फिलहाल इसका 360 रुपीज़ का एट प्रेजेंट इसका मार्केट प्राइस चल रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ से जो अपेक्स फ्रोजन का जो डाउनसाइड में सपोर्ट लेवल वो 330 रुपीज़ का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल सपोर्ट है। एक बार 330 टूटा देन डेफिनेटली आपको 260-270 के लेवल अपेक्स फ्रोजन के अंदर देखने को मिलेंगे। सो एट प्रेजेंट अपेक्स फ्रोजन में आप पहला सपोर्ट नोट करके रख लीजिएगा 360 रुपीज़। अगर वीकली चार्ट पर 360 रुपीज़ या डेली चार्ट पर 360 रुपीज़ के नीचे क्लोजिंग जाती है देन आपको काउंटर फिर 300 और उससे नीचे के लेवल्स में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो नेक्स्ट बिग सपोर्ट लेवल रहेगा वो लगभग 265 के आसपास रहने वाला है अपेक्स फ्रोजन में। रेजिस्टेंस जो रहेगा जिसके बाद एक तेज़ी बनेगी और काउंटर में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आ जाएंगे वो रहेगा लगभग 420 रुपीज़ का, यानी 420 रुपये का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही अच्छा और मजबूत रेजिस्टेंस लेवल रहेगा अपेक्स फ्रोजन में। तो ये रही अपेक्स फ्रोजन की बात। काउंटर इज़ ए वेरी गुड, फ्रोजन फूड का मार्केट बहुत बढ़िया है बट एट प्रेजेंट आप जितने भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के हैं उनमें एक करेक्शन एक कंसोलिडेशन चलता हुआ, सो अपेक्स फ्रोजन भी उसका ही पार्ट है। लेट्स वेट, अगर किसी के पास ये होल्डिंग्स हैं तो अगर आपको 330 रुपीज़ का प्राइस मिलता है देन आप वहाँ पर एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं एंड होल्ड फॉर द टारगेट ऑफ नेक्स्ट 18-24 मंथ्स। और मुझे लगता है कि तब तक ये काउंटर अगेन आपको 550 से लेके 600 तक का लेवल दिखा सकता है अगले 2 सालों के अंदर। तो ये बात की हमने अपेक्स फ्रोजन के बारे में। एंड नेक्स्ट काउंटर है अवंती फीड्स का। नेक्स्ट काउंटर अवंती फीड्स। दोस्तों अवंती फीड्स में आप सभी को याद होगा जब इसका स्प्लिट एंड बोनस इशू हुआ था तब हमने लगभग तकरीबन 580 या 590 के आसपास ये काउंटर ट्रेड किया था तकरीबन। मैं अभी एक बार क्लैरिफाई करता हूँ क्योंकि उसी दिन मैंने वीडियो अपलोड किया था, मुझे याद है 26 या 27 तारीख में मैंने वीडियो अपलोड किया था। तब 560 का लेवल था उस काउंटर का और मैंने आप सभी को बोला था कि प्लीज़ वेट फॉर द काउंटर, अभी आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है अवंती फीड्स के अंदर। टेलीग्राम के मेरे जो मेंबर्स थे उनको भी मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि 300 लेवल विल बी द बेस्ट लेवल इन द अवंती फीड्स फॉर द फ्रेश पोजीशन। और मैंने जो कमेंट्स थे यूट्यूब में वीडियोज़ के माध्यम से उसमें भी मैंने आप सभी को 300 के लेवल बताया था। एंड डेफिनेटली देखिए आप आज लगभग ऑलमोस्ट उसी लेवल की तरफ बढ़ चुका है काउंटर और मुझे लगता है कि डेफिनेट श्योर हूँ मैं कि 300 का लेवल जल्दी ही हमें अवंती फीड्स के अंदर देखने को मिलेगा। देन 300 इज़ ए वेरी गुड लेवल इन द अवंती फीड्स, जो कि एक अच्छा कह सकते हैं कि 290 से लेकर 300 एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। बट रिमेंबर कि अगर 300 के नीचे 290 के नीचे की अगर वीकली क्लोजिंग आ जाती है 290 रुपीज़ के नीचे की, आप नोट करके रख लीजिएगा, 290 के नीचे की अगर वीकली क्लोजिंग आ जाती है काउंटर के अंदर तो आपको फिर अवंती फीड्स लगभग 230-240 की रेंज तक भी दिखाई दे सकता है। सो हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते उन चीज़ों को। मुझे लगता है कि एक बार अगर 290 के नीचे वीकली क्लोजिंग आई देन आपको ये लगभग 240 की रेंज में दिखाई देगा, बट ऐसा बहुत मुश्किल मुझे नज़र आता है। लेकिन हालांकि ये लगता है कि 300 का लेवल एक अच्छा बेस्ट बाइंग लेवल रहेगा अवंती फीड्स के अंदर फॉर द टारगेट ऑफ एक अच्छा टारगेट 500 रुपीज़ का मैं मान सकता हूँ अगले 2 सालों के अंदर दोबारा से 500 टच करेगा, बट ग्रेजुअली एकदम से रॉकेट स्पीड नहीं देगा, ये ग्रेजुअली चलेगा, कंसोलिडेशन होता हुआ बढ़ेगा एंड एक अच्छे बुलिश मोड में जाएगा अगले 2 से 4 सालों के अंदर। सो अवंती फीड्स 300 इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल जहाँ पर आप लोग इस काउंटर के अंदर एवरेज डाउन कर सकते हैं या कुछ फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। सो ये अवंती फीड्स के बारे में हमने बात किया। फिलहाल काउंटर में वीकनेस है, मुझे 300 का टारगेट आता हुआ नजर आ रहा है अवंती फीड्स के अंदर। गोदरेज एग्रोवेट, ये भी एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का स्टॉक है और काउंटर तो बहुत बढ़िया है बट स्टिल मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स है उनमें एक अच्छा करेक्शन आता हुआ और इसके अंदर जो मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा वो तकरीबन वीकली चार्ट पे लगभग 480 रुपीज़ का। जस्ट अ मोमेंट,
आप लगभग 480 रुपीज़, जो कि 490, हालांकि इसका लोएस्ट लो टच किया है इसने, और बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएटेड भी हो सकता है। सो 480 को आप वीकली चार्ट पर एग्जिट स्टॉप लॉस बना कर रखिए। अगर 480 के नीचे काउंटर क्लोजिंग देता है देन आप इस काउंटर से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि तब इस काउंटर में आपको और भी गिरावट देखने को मिलेगी और इवन 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज द चार्ट विल बिकम वेरी बिग। तो आपको 480 रुपीज़ का एक एग्जिट स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है गोदरेज एग्रोवेट में, और आपको उसके बाद 400-420 तक के लेवल्स गोदरेज एग्रोवेट के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये हमने बात की गोदरेज एग्रोवेट की। फिलहाल काउंटर में अभी पॉजिटिव साइन नहीं नज़र आ रहा मुझको मंथ वीकली चार्ट पर भी। अगर 488 से सपोर्ट लेके ये ऊपर रिवर्सल आता है देन वेरी गुड, अगर 488 ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ क्लोजिंग चली जाती है तो काउंटर में एक बड़ी वीकनेस आएगी और फिर काउंटर आपको लोअर लेवल में मिलेगा। डेली चार्ट में अगर मैं बात करता हूँ तो 480 से लेके 540 का एक रेंज बाउंड है, यानी कि काउंटर 480 तक आता है देन उसके बाद 540 तक जाता है। तो आप लोग 485 के आसपास 485 के आसपास काउंटर में अपनी पोजीशन को बना सकते हैं, एक 10 रुपये का स्टॉप लॉस बना के, यानी कि 475 का स्टॉप लॉस बना के, क्योंकि 10 रुपये का रिस्क तो आप बियर कर ही सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ अगेन 550 के आसपास। तो ये लगभग 60 से 70 रुपये का जो रेंज है उसको ट्रेडर्स यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, बट विथ प्रॉपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना आप किसी भी ट्रेड को इनिशिएट मत कीजिएगा। सो 480 द डाउनसाइड सपोर्ट एंड द 540 इज द अपसाइड रेजिस्टेंस लेवल ऑन द डेली चार्ट इन द गोदरेज एग्रोवेट। वाटरवेस एक्वाकल्चर की कंपनी है, बेसिकली कंपनी बहुत बढ़िया है, बिजनेस भी अच्छा है कंपनी का, बट अनफॉर्चुनेटली जो वीकनेस है मार्केट के अंदर वो एक इंपैक्ट डाल रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटर बेस में एक बड़ा सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा 160 रुपीज़ का। सो रिमेंबर दोस्तों कि 160 रुपीज़ आपका डेली एक बड़ा सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर 160 रुपीज़ टूटता है देन आपको 130 से लेकर 140 की रेंज आपको वाटर बेस में अगेन देखने को मिल सकती है। सो रिमेंबर इट एंड नोट डाउन दिस लेवल्स। 160 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली एंड द वीकली क्लोजिंग सपोर्ट। अगर 160 रुपीज़ वीकली या डेली चार्ट पर नीचे की तरफ क्लोज होता है ब्रेक होता है वन डेफिनेटली आपको 130 to 140 का लेवल वाटर बेस के अंदर देखने को मिलेगा। अपसाइड के अंदर अगर 160 को टच करने के बाद एक रिवर्सल स्टार्ट होता है तो अपसाइड का जो टारगेट रहेगा वो लगभग 200 से लेकर 220 के बीच का अपसाइड पोटेंशियल काउंटर के अंदर आ सकता है, बिकॉज अभी फिलहाल काउंटर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 160 से लेकर 220 के बीच में। तो ये आप लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। ये हमने चार स्टॉक के बारे में बात की जो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए थे, एनिमल श्रिम्प से जुड़े हुए थे, अपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स और श्रिम्प बिजनेस में स्पेशली अवंती फीड्स, और वाटर बिजनेस भी स्पेशली श्रिम्प बिजनेस में ही है, एक्वाकल्चर सेक्टर का स्टॉक है एंड गोदरेज एग्रोवेट। सो ये अपैक्स, अवंती फीड्स, गोदरेज एग्रोवेट, वाटर बेस्ड, ऑल दीज काउंटर्स आर गुड, बट इसमें गोदरेज एग्रोवेट के बारे में मैं यही कहूँगा 480 अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो काउंटर में एक बड़ी वीकनेस आएगी और काउंटर आपको 400 या उससे बिलो की लेवल भी दिखा सकता है, पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में तेजी आती है तो गोदरेज एग्रोवेट को आप खरीद सकते हैं 485 के आसपास, 475 का स्टॉप लॉस बना के फॉर द टारगेट ऑफ 540 रुपीज़। तो ये हमने चारों स्टॉक के बारे में बात किया, आपका भी व्यू पॉइंट कुछ अलग हो सकता है। अगर कुछ आपको लगता है कि इन काउंटर्स में कुछ और एड ऑन होना चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपके व्यू पॉइंट को भी शेयर जरूर करूँगा। सो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने पैसे का ध्यान रखिएगा और समझदारी से निवेश कीजिएगा, निर्णय प्रॉपर लीजिएगा, स्टॉप लॉस को इग्नोर मत कीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस नो ट्रेडिंग। किसी भी ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले स्टॉप लॉस को सेट कर लीजिएगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को सेट कर लीजिएगा, उसी के बाद इनिशिएट कीजिएगा। अदरवाइज आप खुद से भी धोखा करेंगे और अपने परिवार से, अपने पैसे से भी धोखा करेंगे दोस्तों। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय आपके लिए घातक हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद के साथ कि आप लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, मैं अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करूँगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।